गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि संख्याओं को मिलाकर हम एक संख्या कैसे बना लेते हैं। इसके लिए हम एक खेल खेलेंगे जो आप अपने घर में अपने भाइयों बहनों के साथ खेल चुके होंगे। इसको चार लोगों के समूह में खेला जाता है। सबसे पहले हम एक चार पर्ची बनाएंगे। एक पर्ची पर राजा, एक पर्ची पर वजीर, एक पर्ची पर सिपाही और एक पर्ची पर चोर लिखें। राजा की पर्ची पर 2000, वजीर की पर्ची पर 1500, सिपाही की पर्ची पर 1000 तथा चोर की पर्ची पर 500 लिखेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे खेला जाए। अब इन चारों पर्चियों को मोड़कर आपस में मिलाएं। मिलाने के बाद इनको ज़मीन पर फेंकें। समूह के सभी बच्चे एक एक पर्ची उठाते हैं। राजा की पर्ची वाला बच्चा वजीर से पूछता है, वजीर वजीर, तो वो बोलता है जी हुजूर। फिर राजा बोलता है कि चोर सिपाही का पता लगाओ। जब वजीर सही सही चोर सिपाही का पता लगा लेता है, वजीर को 1500 अंक मिलते हैं। अब फिर इसको दोबारा खेलते हैं। पर्ची को फिर हवा में फेंकते हैं और सारे लोग एक एक पर्ची उठाते हैं। फिर जो राजा की पर्ची वाला होता है वो वजीर से पूछता है कि चोर सिपाही का पता लगाओ। वजीर इस बार गलत जवाब देता है, जिससे वजीर और सिपाही के जो पर्ची है वो एक दूसरे से बदल जाते हैं। यानी वजीर का नंबर सिपाही को मिल जाता है और सिपाही का नंबर वजीर को मिल जाता है। अब आइए सबके नंबर हम जोड़ते हैं। पहली बार खेलने पर अदिति को 500, शाश्वत को 1000, पीहू को 1500 और शशांक को 2000 मिलते हैं। दूसरी बार में अदिति को 2000, शाश्वत को 1000, पीहू को 500 और शशांक को 1500 अंक मिलते हैं। इसी तरह आप चाहे तो तीसरी चौथी बार भी खेल सकते हैं। तभी लोगों के जो अंक हैं उनको हम जोड़ते हैं। जैसे अदिति के 500 पहली बार में और दूसरी बार खेलने में 2000 अंक मिलते हैं, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो कुल 2500। शाश्वत पहली बार में भी 1000, दूसरी बार में भी 1000 अंक पाता है, तो उसको जोड़ने पर 2000। पीहू पहली बार में 1500 और दूसरी बार में 500 पाती है, तो उसको दोनों मिला के 2000। शशांक पहले वाले में 2000 और दूसरे वाले में 1500 पाता है, जब इसको जोड़ते हैं तो 3500 होता है। इस तरह आप लोगों ने देखा कि चारों खिलाड़ियों में जो सबसे ज़्यादा अंक पाया है वो शशांक है, जिसका 3500 है और ये खेल जीतता है। इस तरह बच्चों हम खेल खेल में जोड़ सीख सकते हैं। अब बच्चों, जो आपको वर्कशीट दिख रही है, इसमें जो अभ्यास कार्य है उसे अपनी कॉपी में करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।